गोंडा के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर एक दिन के दौरे पर गोंडा पहुंचे। उन्होंने योगी सरकार की 100 दिन की उपलब्धियों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि एक्सप्रेसवे के किनारे सरकार औद्योगिक हब बनाने जा रही है, सरकार चरणबद्ध तरीके से काम कर रही है। वहीं मंत्री अनिल राजभर ने अखिलेश यादव को नसीहत देते हुए कहा कि अखिलेश जनभावनाओं का आदर करे, वरना उनका और सपा का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। आजम खान पर जुबानी हमला करते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि जनता ऐसे लोगों से ऊब चुकी है, धर्म और समाज को बांटने वाले लोगों को जनता नकार चुकी है, जनता ऐसे लोगों को जान चुकी है तभी भाजपा के साथ है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में योग्य उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने वाले लोगों का स्वागत है, सरकार समाज को तोड़ने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। बाबा का बुलडोजर ऐसे लोगों की तरफ घूम चुका है, योगी और अखिलेश में कौन पसंद है ये जनता ने निर्णय कर लिया है। इसी के साथ मंत्री अनिल राजभर ने उत्तर प्रदेश सरकार के 100 दिन पूरे होने पर गोंडा के जिला पंचायत सभागढ़ जिले में 7 बीजेपी विधायकों और जिला प्रशासनिक के साथ प्रेस वार्ता कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। साथ ही यह दावा किया कि 100 दिन में सरकार ने 200 दिन का काम किया है और सरकार ने जनता का भरोसा जीतने का काम किया है, जिसका परिणाम भी सामने है। उपचुनाव में फिर से जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया है और बीजेपी सरकार लगातार जनता के लिए काम कर रही है। चुनाव के समय में संकल्प पत्र में जो वादा किया गया था उसको 90% धरातल पर उतार दिया गया है। वहीं विपक्षियों पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग कहते रहते थे कि हमारा घर है, वहाँ भी हमारी सरकार बनी, बीजेपी सरकार के विकासवादी नीति अपनाई और जनता का विश्वास हमको मिला है।